देवभूमि उत्तराखंड धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ आस्था की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। कदम कदम पर देवी देवताओं के पूजा स्थल हैं। इस हिमालय क्षेत्र की संस्कृति के निर्माण में अनेक जातियों का योगदान रहा है। यक्ष जाति इनमें से एक है। इस क्षेत्र में जग्स या जाग के रूप में जाने जाने वाले स्थानों तथा देवी देवताओं का संबंध इसी यक्ष शब्द से माना जाता है। यक्ष देवता की पूजा उपासना जाग देवता के रूप में की जाती है। उत्तराखंड के टिहरी और चमोली जिले में इस देवता की बहुत मान्यता है और ये उनके गाँव में पूजा जाता है। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर के लगडासू में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल, कांडा में 14 अप्रैल तथा कोल्टी में 15 अप्रैल को जाख देवता का मेला लगता है। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में यक्ष पूजा की प्राचीन परंपरा है। पौराणिक और बौद्ध साहित्य में भी इसकी पूजा एवं पूजा स्थलों का उल्लेख पाया जाता है। इसे शिव का रूप भी माना गया है। चमोली गढ़वाल में तो बद्री केदार के बाद जाख देवता की बड़ी मान्यता है। यहाँ डूमक, उर्गम, कंडाली आदि गाँव में इस देवता के स्थल है। इस क्षेत्र में ये देवता चमत्कार करने वाला माना जाता है। इसे पहाड़ की प्रसिद्ध जागर शैली में पूजा नचाया जाता है। देवता अवतरण के बाद पसवा के माध्यम से देवता अनेक चमत्कार करता है। चमोली के पैनखड़ा के तपोण गांव में जाख देवता 6 से 7 वर्षों बाद पूजा के लिए बाहर निकलता है। इसी जनपद के नारायण कोटी, कोठेड़ा, जकधार में भी जाख देवता के मंदिर हैं। कोठेड़ा के मंदिर में इस देवता की ध्यानस्थ मुद्रा में पुरुषाकार मूर्ति स्थापित है। कुछ भी हो, आस्था के इस महासमुद्र उत्तराखंड में मनुष्यों के देवी देवताओं के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध प्रतीत होते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट।